वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आइंदा आम इंतखाबात, कौमी असेंबली की तहलील और निगरान सेटअप के अमूर पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक पीडीएम और पीपल्स पार्टी की क़यादत का हम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में कौमी असेंबली की तहलील की तारीख तय किए जाने पर बात हो सकती है। सियासी जमातें इंतखाबी असलाहत के लिए तरमीम पर मुत्तफ़िक, पार्लियामानी कमेटी ने इंतखाबी असलाहत को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन से राबता है, परसों तक मुसवदा अरकान को भिजवा दिया जाएगा। सिंध असम्बली को भी कौमी असम्बली के साथ ही तहलील करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली का अलविदा इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पार्टी रहनुमाओं से मशावरत। पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान से माहदे की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की कयामगा आमद। वज़ीर आज़म की तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमराह।